अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है परिंदों के लिए बेहतरीन सॉफ्ट फूड। तो सॉफ्ट फूड को मैं अपने डेली रूटीन में शामिल करता हूँ। सॉफ्ट फूड में मैं अपने बर्ड्स को मिक्स दालें डाल देता हूँ और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह। तो आज मैं अंडा ब्रेड डाल रहा हूँ अपने बर्ड्स को। इसके अंदर मैंने कद्दू ऐड किया है और कद्दू के साथ साथ मैं इसके अंदर कैल्शियम भी ऐड कर लेता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने बर्ड्स को कितना अच्छा सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं। तो मैं अब अपने बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड डालने जा रहा हूँ। अब मैं अपने बर्ड्स के सेटअप की तरफ जाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी डेली रूटीन को कैसे यूज़ करता हूँ। तो इसमें मैं मिक्स दालें भी ऐड कर लूँगा और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। और अब मैं ऐड कर रहा हूँ इनके अंदर, इनके केजीज में इनको खुराक डाल रहा हूँ, मिक्स फूड। तो ये मेरे कुछ सन के नॉर्थ के पेड़ हैं, इन्होंने भी लिंक की हुई है। कुछ पाइन एपल्स के नॉर्थ के पेड़ हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह लिंक की हुई है। ये सारों के आखिरी आखिरी क्लच चल रहे हैं। तो ये मेरे कॉकटेल्स हैं, इन्होंने बच्चे वगैरह निकलने हुए हैं। तो जितना सॉफ्ट फूड अच्छा होगा उतना ही बर्ड्स अपने बच्चों को अच्छा फीड करवाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट फूड से ही पेरेंट्स गर्मियों में फीड करवाते हैं, सूखा दाना इतना नहीं खिलाते। तो ये मेरा है येलो रिंग नेक का फीमेल है और रॉ का मेल है। इसने भी माशाल्लाह लिंग की हुई है। तो इसने 6 बच्चे निकाले हुए हैं और इन सारे चिक्स को माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पाल रहा है। और इसको इसलिए मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा सॉफ्ट फूड डाल देता हूँ अपने, जिनके चिक्स वगैरह ज़्यादा निकले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड करता हूँ तो ये इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इनको सीक वगैरह नहीं होती। और कुछ मेरे अंदर पेयर्स हैं डब्स वगैरह के भी, तो सीज़न भी है ब्रीडिंग का इनका। तो साथ साथ मैं इनको डब्स को भी सॉफ्ट फूड डाल देता हूँ और अपने दूसरे परिंदों को भी। ये मेरा एक माशाल्लाह पाइट डब का पेयर है और ये लव बर्ड भी माशाल्लाह 6 आउट ऑफ 4 बच्चे निकाले हैं। कुछ मेरे ये माशाल्लाह पाइट डब का पेयर है, इसके फॉस्टर अंडे मैंने अपने नॉर्मल पेयर के नीचे रखे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह मेरा फॉस्टर पेयर है, इसने पाइट डब के अंडे इसके नीचे मैंने रखे हुए हैं। और इस तरह मैंने कुछ फ्लाइंग एरिया बनाया हुआ है अपने बर्ड्स का, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपने डब्स को सॉफ्ट फूड डालने के बाद उधर ही जाऊँगा इंशाल्लाह, आपको दिखाता हूँ। और ये मेरा है फ्लाइंग एरिया ये सामने, और सारे बर्ड्स माशाल्लाह वेट कर रहे हैं कि सॉफ्ट फूड आए और हम खाएं। तो ये जब डेली रूटीन होगी तो आपके बर्ड्स वेट कर रहे होंगे। और ये देखें माशाल्लाह, मेरे हाथ में बाउल होता है और ये खाने के लिए जैसे कौवे आते हैं वैसे ही खाने के लिए आ जाते हैं माशाल्लाह। आप चेक करें माशाल्लाह, इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है इधर, इनकी कलर शार्पनेस ओवरऑल हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है। और ये फ्लाइंग एरिया में मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है अपने बर्ड्स का। इसमें 2-3 फ़ायदे ये होते हैं फ्लाइंग एरिया में, कि आप इनको डाइट वगैरह जो है वो एक ही जगह पे डाल देते हैं, जिससे आपको केज बाय केज डालना मतलब मुश्किल होता है। तो आप फ्लाइंग एरिया में ऑफ सीज़न में भी डाल सकते हैं।